स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 1 कप बासमती चावल लिया हुआ है, इसकी जगह पर आप कोई भी चावल का प्रयोग कर सकते हैं। चावल को 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धुल देंगे ताकि चावल का स्टार्च जो है बाहर निकल जाए, और इसे हम छलनी से छान करके अलग रख देंगे। आप किसी भी तरह का चावल बनाएं, इस तरीके को ज़रूर अपनाएं, इससे चावल बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। अब हम गैस चलाकर कुकर गर्म कर लेंगे और 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, 4 मीडियम साइज़ के लच्छे में कटे हुए प्याज को डाल देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसे हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसी तेल में हम 1 तेज़पत्ता और 1 खड़ा लाल मिर्च डालेंगे, 1 चक्रफूल डालेंगे, 2 छोटी इलायची डालेंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 4 लौंग डालेंगे और थोड़ा सा स्याह जीरा और थोड़ा सा कबाब चीनी डालेंगे। आप स्याह जीरा के जगह पर सामान्य जीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं और कबाब चीनी के जगह पर काली मिर्च का प्रयोग करें। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे थोड़ा सा तेल में भून लेंगे। अब इसमें हम 1 कप मोटे पीस में कटा हुआ बीन्स डालेंगे और 1 कप गाजर डालेंगे। गाजर को भी हमने मोटे पीस में काट लिया है, दोनों को साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। 1/2 कप दही डालेंगे। दही डालते समय हम गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देंगे, नहीं तो दही फट जाएगी, और मीठी दही का ही प्रयोग करेंगे। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो इसकी जगह पर आप गरम मसाले की मात्रा बढ़ा दें, और मसाले का प्रयोग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को हम सब्जियों के साथ भून लेंगे। 1 कप फ्रोजन मटर डालेंगे, अगर आपके पास नॉर्मल मटर है तो उसे डालें, और सब्जियों के साथ इसे थोड़ी देर तक भून लेते हैं। अब इसमें हम 1 कप उबलता हुआ गर्म पानी डालेंगे। जिस कप से हमने चावल लिया था उसी कप से पानी डालेंगे। तेज़पत्ते को छांट करके बाहर हटा देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला दें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें हम फ्राई किए हुए प्याज को डाल देते हैं। बारीक कटी हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और 1/2 चम्मच पुदीना पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास हरे पुदीने की पत्तियां हैं तो उसे डालें। अब इसमें हमने जो चावल छान करके रखा था, यह काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। नाखूनों से तोड़ने पर यह 2 टुकड़ों में हो जा रहा है। अब हम इसे सब्जियों के ऊपर फैला देंगे। चावल को मिक्स नहीं करना है, बस सब्जियों के ऊपर एक लेयर टाइप का बना देना है। हल्के से इसे चारों तरफ फैला देंगे इस तरह से। यहाँ हमने 10 से 15 केसर के धागे को दूध में डुबोकर रख दिया था। इसमें से 1 चम्मच चावल लेंगे और दूध वाले में डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। अब चावल के ऊपर थोड़ा सा फ्राई किए हुए प्याज को डाल देंगे और थोड़े से बारीक कटी हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। एक लेयर टाइप का बनाना है। अब इसके ऊपर हम 1/2 चम्मच पुदीने का पाउडर डाल देते हैं।
और आधा कप गर्म पानी धीरे से चारों तरफ फैलाते हुए और डाल देंगे। दो चम्मच देसी घी डाल देते हैं। और ये हम केसर वाला दूध डाल देंगे। दो से तीन हरी मिर्च डाल देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी आने तक पका लेंगे। जैसे एक सीटी आ जाएगा या ठंडा हो चुका है, थोड़े से चावल को हम चम्मच से हटा देंगे या चला देंगे। अभी पूरी तरह से नहीं चलाएंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे सर्व करेंगे। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको यह कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।